हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग किताब। मैं हूँ सुष्मिता। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ अंडे की सब्ज़ी, बहुत ही डिफरेंट तरीके से और बहुत ही नए तरीके से बनाया हुआ है। आप घर पर एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए फ्रेंड्स। रेसिपी शुरू करते हैं। एज़ यूज़ुअल हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल के गर्म होने के बाद थोड़े से राई ज़ीरा, करी लीव्स ऐड कर देंगे और उसे थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में बारीक चॉप कर कर रखे हुए ऑनियन को इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, जो कि हेल्प करता है प्याज को अच्छे से और जल्दी से फ्राई होने के लिए। हमें ज़्यादा प्याज को फ्राई करना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने के बाद देखिए इस तरह से हमें इसमें बारीक चॉप कर कर रख लिया हुआ टमाटर ऐड कर देना है फ्रेंड्स। अभी इसे अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने। अगर आप थोड़ा सा तीखा कम खाते हो तो उसके थोड़ा सा कम डाल सकते हो। और 1/2 टेबल स्पून जितना हल्दी और 1/2 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर डाल दिया है फ्रेंड्स मैंने। अभी इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए, इसका कच्चापन पूरा चले जाए। जैसे ही मसाले अच्छे से फ्राई हो जाते हैं हम इसमें क्या करेंगे, अंडे को इस तरह से फोड़ कर डाल देंगे। मैंने 4 अंडे इसमें इस तरह से डाल रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने 4 अंडे इस तरह से डाल दिए हैं। अभी मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पका लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं बीच में से इस तरह से 4 पीसेस कर कर अभी हमें ढक्कन लगा देना है और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देना है। उसके बाद ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा और उसे पलटा कर रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मिला दीजिए। हमें सेम अंडा भुर्जी करते हैं ना, उसी तरह से करना है फ्रेंड्स। लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अभी हम और आगे बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं इसमें। ये देखिए जैसे ही ये अंडा अच्छे से फ्राई हो जाता है हमें और 1-2 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देना है ताकि कोई भी अंडे की स्मेल इसमें ना आ सके। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है अभी इसको। ये देखिए फ्रेंड्स अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें ना पहले से ही उबाल कर रख लिया था मैंने अंडा, उसे ना इस तरह से राउंड राउंड पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहे तो कोई भी डिफरेंट शेप में कट कर सकते हो और उसे इस तरह से रख देना है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही यूनिक टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। घर में आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। ज़रूर ट्राई करिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी ये सब्ज़ी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। ये डालने के बाद इस तरह से मिला के 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के अच्छे से पकने दीजिए। ये देखिए बॉइल्ड डालने के बाद हमने 2 मिनट तक पका लिया है। उसके बाद में ना धनिया पत्ता डाल देना है और ये रेडी टू ईट है। अभी हम क्या करेंगे, जाएंगे सर्विंग की तरफ, एक सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए कितना यम्मी एंड टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स, देखने से ही मुँह में पानी आ जा रहा है। अगर आप खाओगे ना तो पक्का आप लोग ना कमेंट करो ना भूलिएगा, मुझे कमेंट कर कर बताइए ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।